Okay, so today we are starting new topic and this is your chapter number 7 and 9, right? Combined हम लोग करेंगे सोलना, लिखो जरा ना. Chapter number 7 and 9. Institute इसको अलग अलग करता है, हम लोग इसको साथ में करते रहे. Pricing decision with divisional transfer pricing, with divisional transfer pricing, pricing decision with divisional transfer pricing, right? Okay, first आप लिखिए मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइस. मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइस. मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइस, राइट. इट इज एन इंटरनल प्राइस. It is an internal price between. It is an internal price between one division to others. It is an internal price between one division to others on the basis of mutual understanding. On the basis of mutual understanding. But this method is only applicable. But this method is only applicable if divisions are individual, comma, independent, comma, separate cost centers. Comma, separate profit centers, etc. Okay, आगे आप लिखिए methods of transfer price. Methods of transfer price. Number one, total cost plus opportunity cost. Total cost plus opportunity cost. Number two, total cost plus ROI. Number two, total cost plus ROI. Number three, total cost plus ROI. Total cost plus ROI with tax adjustment. With tax adjustment. Next, relevant cost concept basis. Relevant cost concept basis. Next, market value. Next, total cost plus share profit. Total cost plus share profit.
नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट एनी अदर मेथड, नेक्स्ट एनी अदर मेथड एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एनी अदर मेथड एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. राइट, अब एक जस्ट एक केस के हिसाब से आप जरा इसको हैंडल करो. राइट, एंड यू प्लीज यू नो आस्क व्हाट एवर डाउट्स यू हैव, तो ही जाके ये टॉपिक आपको क्लियर होगा. राइट, यू टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. राइट, सपोज दिस इज माई पर्टिकुलर डिविजन, से डिविजन ए, वेर आई एम डूइंग द प्रोसेस ऑफ से मिल्क. द कॉस्ट ऑफ द मिल्क इज रुपीज, से रुपीज 10,000. माई कॉस्ट ऑफ लेबर इज सपोज से 10,000 एंड माई कॉस्ट ऑफ ओवरहेड इज सपोज से 10,000 एंड टोटल कॉस्ट माइन इज रुपीज 30,000. अभी आफ्टर द प्रोसेस आई एम गेटिंग द रिजल्ट, आई एम गेटिंग से बटर मिल्क एंड से बटर. अभी बटर मिल्क को मार्केट में सेल करने जाएगा तो जीरो वैल्यू. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बटर? द कॉस्ट ऑफ द बटर इज रुपीज 30,000. नाउ आई हैव ए ऑप्शन, आई कैन सेल दिस बटर इन टू द मार्केट, दिस इज अ मार्केट, और आई कैन गो फॉर फर्दर प्रोसेस, इट मीन्स इन डिविजन बी. अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो बटर का कॉस्ट 30,000 प्लस देर इज ए सेपरेट एक्सपेंस, बटर से प्योर घी बनाने का देर इज ए सेपरेट एक्सपेंस 30,000, टोटल 60. एंड आफ्टर द प्रोसेस वी आर गेटिंग सपोज से प्योर घी, प्योर घी आई कैन सेल इन टू द मार्केट वेयर द मार्केट वैल्यू इज रुपीज से 75,000. बराबर. अभी इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, सपोज कि अगर अपने को प्रॉफिट निकालना है तो 75,000 माइनस 60,000 आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 15,000. 75 माइनस 60 आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बोलो 15,000. प्रॉब्लम खत्म. बट सपोज इफ यू वांटेड टू नो हाउ मच इज द प्रॉफिट बिकॉज ऑफ एन इंडिविजुअल डिविजन, एक मेरे इंडिविजुअल डिविजन की वजह से कितना प्रॉफिट हुआ वो कैसे पता करेंगे? माय वन डिवीजन मैनेजर इज डूइंग वेरी वेल, वन मैनेजर इज नॉट डूइंग एनीथिंग. अगर उनको परफॉर्मेंस देना है, बोनस देना है, सैलरी देना है, या किसकी वजह से कितना प्रॉफिट हुआ तो कैसे पता चलेगा? देन द ट्रांसफर प्राइस टेक्स प्लेस. व्हाट इज द ट्रांसफर प्राइस? इट इज एन इंटरनल प्राइस बिटवीन वन डिविजन टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. एक डिविजन से दूसरे डिविजन में क्या ट्रांसफर करना है उसके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपन ये कर सकते हैं करके. तो व्हेन दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इफ द डिविजन्स आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, सेपरेट प्रॉफिट सेंटर, सेपरेट कॉस्ट सेंटर्स, डिसेंट्रलाइज अगर रहेगा तो ही ये कंसेप्ट होगा. राइट, कि अगर अपने को पता करना है तो पता करना है तो एक दूसरे को अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा. राइट, अगर आपको याद हो तो हम इंटर में करते थे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करता था. राइट, उसके बेसिस पे ही है. सपोज ये बोलता है कि भाई ठीक है मेरा ये 30,000 कॉस्ट है. राइट, अभी मार्केट में मेरा ये 35 में बिक रहा है, तू मुझे 35 दे दे, तो 35 माइनस 30 इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रुपीज 5,000. इसके लिए क्या बन जाएगा, 35 कॉस्ट, टोटल 65, इसका प्रॉफिट क्या हो गया, 10,000. ये बोलेगा मेरा मार्केट में कितने में बटर बिक रहा है, 35 में, तो मेरे को 35 दे दे,
35 दे दिया, 5000 प्रॉफिट हो गया, बाकी का ये हो। क्या ये बोलता है 30,000 इज द टोटल कॉस्ट, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट 30,000 राइट। अभी मेरा सपोज इन्वेस्टमेंट है 50,000 और उस पे आई वांट 20% रिटर्न, इट मींस मेरा आरओआई क्या हो जाएगा 10,000, सो 30+10 ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगा 40,000, तो 10 इसका प्रॉफिट हो गया, 40 आपके लिए क्या बन जाएगा कॉस्ट, 40+30 कितना हो गया 70, इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5,000। या सपोज ये बोलता है आई वॉन्ट 20% रिटर्न बट आफ्टर टैक्स, तो फिर आपको बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। या सपोज ये बोलता है अरे यार तेरा 35 में बिक रहा है, 35 तो मार्केट में बिक रहा है ना, मैं तो तेरा इंटरनल हूं, वी आर इंटरनल डिविजन राइट, तो मुझे 33 में दे दे, तो 33-30 इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा 3,000, 33 इसके लिए क्या हो जाएगा कॉस्ट। व्हाट इज द ट्रांसफर प्राइस, इट इज एन इंटरनल प्राइस, क्या लिखा है मैंने आपको, इट इज एन इंटरनल प्राइस, बोलो इट इज एन इंटरनल प्राइस बिटवीन वन डिविजन टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल। दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल ओनली इफ द डिविजन्स आर इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, सेपरेट प्रॉफिट सेंटर, सेपरेट कॉस्ट सेंटर, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ही जाके ये अप्लाई आपको होगा। सही है सोनो, समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट है, वो समझ में आ रहा है। दो डिविजन्स रहेंगे, अगर वो इंडिविजुअली अगर उनको पता करना है कि व्हाट इज अ प्रॉफिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर तो ट्रांसफर प्राइसिंग लेना ही पड़ेगा। वन डिविजन सेकंड को ट्रांसफर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो भी उनका एग्रीड प्राइस होगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, समझे नहीं सब। तो इसका एक पिक ले लो ताकि आपको यहां याद रखने के लिए इजी रहेगा करके ना, कभी रिवाइज करना होगा तो इसका क्या एग्जाम्पल अपन ने लिया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा राइट। सही है सुनो राइट। तो पहला मेथड मैंने आपको क्या लिखा था, आप लिखिए जरा, मेथड वन टोटल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेथड वन टोटल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर, ब्रैकेट में लिखिए एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन ट्रांसफर प्राइस, एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन ट्रांसफर प्राइस, एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन ट्रांसफर प्राइस। आगे आप लिखिए स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम। ऐसे तो अपन ने डिसीजन मेकिंग में ये किया था, लेकिन मैं वापस से रिपीट करता हूं तो रिवाइज करने में इजी रहेगा आपको राइट। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम, स्टेप नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन, RANK रैंक फॉर प्रोडक्शन। स्टेप नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग
प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड स्टेप नंबर थ्री, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। जैसे सपोज यू टेक द एग्जाम्पल, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर वन। सपोज आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए एंड बी। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास? ए एंड बी। सपोज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100 एंड 100, माय वेरिएबल प्राइस पर यूनिट इज 60 एंड 40, सो माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी 40 एंड 60। अगर आपको कुछ नहीं बोला है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे? बी, बिकॉज बी इज गिविंग यू द हाइजेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। सपोज आपके पास मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल हैं, से 20,000। आपके पास मैक्सिमम आवर्स कितने अवेलेबल हैं? 20,000। अभी अगर आप एक यूनिट बनाते हो बी का, तो आपको 4 आवर्स लगते हैं, और अगर आप ए का बनाते हो तो आपको 2 आवर्स लगते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फैक्टर। ये रिसोर्स है वो क्या है आपका? लिमिटेड है। अब अपने को ये 20,000 आवर्स को इस तरह से यूज करना है टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। बाद में कॉपी कर लेना, मैं तुम्हारे। आपको ये 20,000 आवर्स को, इस तरह से यूज करना है टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, बराबर। अब अपन कैसे करेंगे? 20,000 डिवाइडेड बाय 2, आपके कितने यूनिट्स हो गए? 10,000, 10,000 टू 40, 4 लैक्स। 20,000 डिवाइडेड बाय 4, 5,000, 5,000 इंटू 60, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लेकर है, चेंज हो गया डिसीजन। अब आप क्या बनाओगे? ए, बिकॉज ए इज गिविंग यू द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। अब प्रॉब्लम क्या है? ए आप कितना बना सकते हो? 10,000, बट द मार्केट डिमांड ए इक्वल टू 5,000 यूनिट्स एंड बी इक्वल टू सपोज 10,000 यूनिट्स। मार्केट डिमांड आपका क्या रहेगा? ए 5,000 और आपका बी क्या रहेगा? 10,000। अब आप क्या करोगे? तो पहले आप ए बनाइए और अगर बैलेंस बचेगा तो बी बने। तो इतना कॉपी कर लीजिए गिवन करके ना, दिस इज योर एग्जाम्पल वन, केस स्टडी वन करके आप लिख लो, राइट।
राइट है। अब क्या करेंगे, स्टेप्स मैंने क्या बताए, स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आर रैंक फॉर प्रोडक्शन बनाओ। स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आर रैंक फॉर प्रोडक्शन। ए बी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 100, वेरिएबल प्राइस पर यूनिट 60 40, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 60, आर्स पर यूनिट 2 and 4, कंट्रीब्यूशन पर आर 20 and 15, रैंक फॉर प्रोडक्शन 1 and 2। से यस नो फ्रेंड्स, राइट। देन स्टेप नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। फर्स्ट आवर्स अवेलेबल प्रोडक्ट्स यूनिट्स आवर्स पर यूनिट टोटल बैलेंस आवर्स। कितने आर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 20,000। कितने आर्स अवेलेबल हैं, पहले हम लोग कौन सा बनाएंगे, ए, ए के 5,000 यूनिट्स, एक ए को बनाने में 2 hours, इट मीन्स 10,000। सो 20 minus 10 आपके पास बैलेंस बचेगा 10, ये 10,000 10,000, ये बी एक को बनाने में 4 hours, इट मीन्स 2,500। राइट, देन स्टेप नंबर थ्री स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं अपने पास, ए बी उनके यूनिट्स हैं 5,000 फॉर ए 10,000 फॉर बी, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 40 60, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है 2 lakhs 6 lakhs 8 lakhs लेस
fixed cost 8 lakhs, sorry, 0, and net profit is 8 lakhs. Sorry, 2500, na friends? 150? Total is 350. सही आंसर ऑफ राइट। अभी दो तरह के क्वेश्चंस हम लोग हैंडल करेंगे। पहला है जहां पे अपने को मेथड गिवन है कि भाई ये मेथड से आप सॉल्व करिए। दूसरा मेथड गिवन नहीं है, एज ए कंसल्टेंट आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है। यू अप्लाई योर ओन माइंड एंड टेल कि विच मेथड इज एप्लीकेबल और क्यों करना चाहिए ऐसा, राइट। तो देखो जरा ना, पहले मैं वो समझ ले रहा हूं यहां पे मेथड नॉट गिवन है ताकि आपका माइंड थोड़ा शार्प हो जाए, राइट। ये फोर टाइम्स सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 7.8, ये सीएस 11 पेज नंबर 7.8, डिवीजन ए इज ए प्रॉफिट मिला फ्रेंड्स। सीएस 11 पेज नंबर पहला ही लाइन उसने क्या लिखा है, डिवीजन ए इज ए प्रॉफिट सेंटर। प्लीज अंडरलाइन दैट, डिवीजन ए इज ए प्रॉफिट सेंटर विच प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स, कौन कौन से, एक्स वाई एंड जेड। जरा समझना बात को, राइट। डिवीजन ए क्या बोलता है कि मैं तीन प्रोडक्ट बना सकता हूं, कौन कौन से, एक्स वाई एंड जेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। व्हाट इज द एक्सटर्नल डिमांड, 800 यूनिट्स ऑफ X, 5 units of Y and 300 of Z. एक को बनाने में कितने आर्स आपको लगते हैं, 3, 4 and 2, इट मीन्स 2400 आर्स, 2000 आर्स, 600 आर्स, कितने हो गए, 5000। इसके पास आर्स कितने अवेलेबल है, ओनली 3000। इसको खुद को ही शॉर्टेज आ रहा है 1200। और डिवीजन बी क्या बोल रहा है कि आई ऑल्सो वॉन्ट 300 यूनिट्स ऑफ वाई। इसका मतलब इसका तो खुद का ही काम नहीं हो रहा है, खुद के लिए कितने आर्स चाहिए, 5000। आर्स कितने अवेलेबल हैं, 3800। शॉर्टेज कितना है, 12। तो खुद का काम नहीं हो रहा,
जब खुद का काम नहीं हो रहा तो वाई को कैसे बना के देगा बी को? इसका मतलब प्रॉब्लम क्या हो गया आपका? लिमिटिंग फैक्टर. अब डिवीजन बी क्या बोल रहा है? देख, दिस इज योर एक्सटर्नल डिमांड, राइट? दिस इज द मैक्सिमम डिमांड. तू ऐसा कर, इन लोग को सप्लाई मत कर, तू मुझे सप्लाई कर. ऐसा तो नहीं है कि इनको करना ही पड़ेगा, पैसा तो नहीं है. तो इन लोग को सप्लाई मत कर, तू मेरे को कर, जो भी लॉस होगा आई विल बियर. अभी जैसे सपोज मेरे तीन बैच चलते संडे को, एक रहता है 8 to 12, एक रहता है 12 to 4, एक रहता है 4 to 8, बराबर. अभी आप मेरे को बोलते हो, सर आप ना मेरे को होम ट्यूशन ले लो. अरे मैं बोला भाई मेरे तो फुल बैच है, मैं कहां से तेरे को होम ट्यूशन लेगा करके. बोले सर आप ऐसा करो ना, एक बैच को कट कर दो और जितना भी आपका रहेगा तो मैं आपको कैसे प्राइस चार्ज करूंगा? मैं आपको बोलूंगा देख भाई, एक बैच अगर मैं कट करेगा तो जितना मेरे को लॉस हो रहा है मेरे को वो चाहिए, प्लस मैं टैक्सी में आऊंगा वो भी मुझे चाहिए. मिनिमम मैं प्राइस कैसे चार्ज करूंगा आपको? मैं बोलूंगा जितना भी मेरा लॉस हो रहा है तो वो मेरे को चाहिए या उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए, प्लस टैक्सी का फेयर चाहिए, राइट है? तो ये बोल रहा है कि भाई आप प्रोडक्शन मत करो, जो लॉस होगा वो मेरे से ले लो. अब ये लॉस कैसे डिसाइड करेगा, बराबर? तो इसके लिए अपन को क्या यूज करना पड़ेगा? लिमिटिंग फैक्टर. कैन यू प्रिपेयर स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर आर, रैंक फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन प्लान. उतना कर सकते हो? करो जरा. स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर आवर एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन. कौन कौन से प्रोडक्ट है अपने पास? एक्स वाई जेड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 48, 46, 40, लेस वेरिएबल प्राइस पर यूनिट 33, 24, 28. आपको क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट है? 48 less 33 15 46 less 24 22 40 less 28 12 divided by hours per unit 342. Contribution per hour 5.56. Rank for production 1, 2, 3. Statement showing contribution per unit, per hour, rank for production, right? Step number 2. Statement showing production plan for maximum profit. Hours available, products, units,
आर्स पर यूनिट टोटल बैलेंस आर्स। राइट है, कितने आर्स पहली बार अपने पास अवेलेबल हैं? 3,800। पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? जेड। जेड के कितने यूनिट्स बना सकते हैं? 300 × 2 = 600। 3800 less 600 3200। फिर क्या बनाएंगे फ्रेंड्स? वाई। वाई का डिमांड कितना है? 500 × 4 कितना हो गया? 2000। कितना बचा? 1200। अब क्या बनाएंगे? x। एक x को 3, 400। सही आंसर है फ्रेंड्स, राइट। परफेक्टली क्लियर है नॉट? अभी हम बोल रहे हैं हमारा तो खुद का ही काम नहीं हो रहा है, राइट। ये क्या बोल रहा है कि मुझे क्या चाहिए? वाई। और वाई के कितने यूनिट चाहिए? 300। अभी एक वाई को बनाने में कितना टाइम लगता है? 4। इट मीन्स 1200 आवर्स चाहिए, बराबर। तो अभी आप मेरे को बोलते हो सर आपके पास तीन बैच है ना, 8 to 12, 12 to 4, 4 to 8, राइट। आपको जहां पे सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूशन आता है आप वो बैच कट कर दो और वो टाइम पे मेरे को सिखाने आ जाओ ना घर पे। अगर आपको 4 to 8 में सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो 4 to 8 कट कर दो आप, और जो टाइम बचेगा वो आप मेरे पास आ जाओ। तो मैं कैसे प्राइस आपसे चार्ज करूंगा कि जितना अपॉर्चुनिटी में लॉस कर रहा हूं वो प्लस मेरा आने जाने का। तो अगर इसमें सबसे लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कहां आ रहा है आपको? एक्स। तो एक्स की अगर 400 यूनिट अपन कट कर देते तो अपने पास कितने आर सेव हो जाएंगे? 1200। और 1200 में हम लोग वाई बना के दे सकते हैं। तो क्या क्या लगेगा? वाई का बनाने का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस एक्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस विल बी योर ट्रांसफर प्राइस। से या सुनो, समझ रहा है या नहीं समझ रहा? राइट, बनाओ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेप नंबर 3 स्टेटमेंट शोइंग ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ वाई। राइट, फर्स्ट टोटल आर्स रिक्वायर्ड फॉर वाई इक्वल टू 300 × 4, 1200। राइट। अभी कट डाउन एक्स बिकॉज मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर एंड सेव दी आर्स 400 × 3, 1200। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन एक्स 400। एक यूनिट पे हम लोग को कितना प्रॉफिट हो रहा था? 15, वो हमारा जाएगा 6000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वाई 300 × 24 7200 डिवाइडेड बाय 300 यूनिट्स, आपका प्राइस क्या हो जाएगा? 44।
से यस और नो फ्रेंड्स, मिनिमम उसको मार्केट में कितने में मिल रहा है? 45 में. इसका मतलब 44 से 45 के बीच में अपने को कुछ भी मिलेगा तो चलेगा. हम अगर 44 तक सेल करते, तो हमें कोई लॉस नहीं है. अगर हम लोग 44 तक सेल करते हमें कोई लॉस नहीं है. 44 तक में अपेक्षा अपने को क्या आएगा? सेम प्रॉफिट. 44 में अगर हम सेल करते तो हमें क्या आएगा? सेम प्रॉफिट. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितना अपने को दूसरी जगह हो रहा था उतना हो जाएगा. अब 44 से ऊपर अगर ये देने को तैयार है तो अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए. 44 भी देगा तो भी अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए. बोलो यस और नो फ्रेंड्स. या कोठारी, हाँ आराम से पूछो आप, कोई जल्दी नहीं है अपने को ना. वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक. अगर आप यहां पे आपके फंडा क्लियर नहीं हुए तो नहीं होंगे फिर करके ना. समझे या नहीं समझे बोलो. बराबर. अब कैन यू ट्राई, अगर आपके पास आर्स 5600 है तो ये स्टेप तो आपका सेम ही रहेगा. अब आपका ये बदल जाएगा राइट. क्या 600 यून? हाँ तो फिर अपन करेंगे ना. और है तो वाई को भी कट करके दे देंगे, आएगा भी वो पॉइंट. चलो स्टेप नंबर 4. आप यही कह रहे हो ना कि अगर आर्स यहां पे 600 अवेलेबल है तो हम वाई को भी कट कर देंगे और जो लॉस हो रहा है वो रिकवर कर लेंगे करके ना, है ना. दोनों भी हो सकते हैं ना. अभी ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास आर्स ज्यादा हो और वो आएगा, सब पॉइंट्स आ जाएंगे. स्टेप नंबर 4 इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट. फर्स्ट आर्स अवेलेबल, अभी कितने आर्स अवेलेबल है अपने पास? 5600 प्रोडक्ट्स यूनिट्स आर्स पर यूनिट टोटल बैलेंस आर्स. पहले हम क्या बनाएंगे? जेड. जेड के कितने यूनिट्स बनाएंगे? 300. एक जेड को बनाने में 2 आवर्स, इट मीन 600. 5600 लेस 600, 5000. दूसरा वाई, वाई का कितना है? 500 इंटू 4, 2000. व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट? 3000. अब क्या बनाएंगे? एक्स. एक्स का डिमांड 800. 800 इंटू 3, 2400. 2400. व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट? 600.
आपको बैलेंस क्या बचेगा 600। अब कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस, राइट। स्टेप नंबर 5, स्टेटमेंट शोइंग ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ वाई, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड फॉर वाई इक्वल टू 300 इंटू 4 1200। बैलेंस आवर्स हमारे पास है, बैलेंस आवर्स हमारे पास है 600, तो शॉर्टेज आ जाएगा 600। अब 600 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कट डाउन एक्स 200 इंटू 3 600, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन एक्स 200 इंटू 15 3000, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वाई 300 इंटू 24 7200 10200 डिवाइडेड बाई 300 34 अब अगर बाई चांस ये तो यहां पे सरप्लस था, कभी कभी सपोज अपने को 1300 आर्स चाहिए तो पूरा ये जाएगा और 100 आर्स के लिए वाई जाएगा, और वाई और एक्स दोनों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लेंगे, अभी आएगा वो पॉइंट, आपका क्लियर हो जाए। ये क्लियर हुआ कि नहीं, प्रेजेंटेशन प्रॉपर एकदम समझ में आ रहा है, बोलो यस और नो, एक दू ट्राई करने के लिए। 14 पेज नंबर 7.10 CS14 पेज नंबर 7.10, कोई भी मेरा कॉपी नहीं करेगा, दूसरा सम कर रहा हूं मैं, हाँ खुद से ट्राई करो। 14 पेज नंबर 7.10 खुद से ट्राई करो आप, राइट।
देखो बराबर है कि नहीं, राइट है। फर्स्ट इज सी, कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर इज 25, सेकेंड इज बी 23 पर आर, थर्ड इज डी 11.5 ना, सो दिस विल बी थर्ड एंड दिस विल बी सेकेंड, राइट है। कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर 6.67, 11.5, 25 एंड 15। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सी कितने आर्स अवेलेबल है टोटल 20,000। पहले क्या बनाएंगे, सी सी का मैक्सिमम डिमांड 2,300। एक सी को बनाने में 2 आर्स 4,600, डी 1,600, 3, 4,800, 10,600, बी 2,500 इंटू 4, 10,000, 600, 600, ए प्रोडक्शन प्लान बराबर है फ्रेंड्स, बोलो। ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट क्या चाहिए उसको, डी। डी को टोटल आर्स चाहिए 2,500 इंटू 3, 7,500। कट डाउन ए एंड बी, अब आपको समझा, पहले ए कटेगा फिर बी कटेगा, राइट। वाई, बिकॉज ए इज गिविंग यू द लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। ए ए कितना कटेगा, 200 इंटू 3, 600, बैलेंस 6,900। फिर कटेगा बी, 6,900 के लिए बी कितना काटना पड़ेगा, 4 आर्स 6,900 डिवाइड बाई 4, 1,725, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ए बी, ए 200 इंटू
24,000 एट ए बी 1725 इंटू 4 1725 इंटू 4 6900 प्लस 46 1725 इंटू 46 ए 79,350 राइट. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ डी, डी का कितना कटेगा 2500 राइट है इंटू 85 2500 इंटू 85 212,500 प्लस 79,350 प्लस 4000 295,850 डिवाइडेड बाई 2500 118.34 या इज दिस क्लियर 118.34. देन सेकेंड आर्स अवेलेबल टू यू इज 30,000. पहले क्या बनाएंगे सी 2300 इंटू 2 4600. फिर क्या बनाएंगे डी 1600 इंटू 3 4800. देन बी 2500 इंटू 4 10,000 राइट है 30,000 लेस 4600 25,400 लेस 4800 20,600 लेस 10,600. देन ए का मैक्सिमम डिमांड 2,800. एक ए को बनाने में 3 आर्स आर्स लेफ्ट 10,600 लेस 8400 2200 4 टाइम्स आया हुआ है सेम सम ना न्यू मॉड्यूल में भी दे रखा है. या प्रॉपर ये है ना 1725 6900 डिवाइड बाई 4. हाँ हाँ इसके लिए कितने यूनिट्स कट करने पड़ेंगे बी के कितने यूनिट्स कट करने पड़ेंगे टू सेव 6900 आर्स राइट. या
statement showing transfer price per unit of Y. It means total hours required for Y. B, D. Total hours required 2500 into 3. कितने बैलेंस आवर्स अवेलेबल हैं? 2200. व्हाट इज द शॉर्टेज? 7500 माइनस 5300. नाउ कट डाउन ए. कितना कट होगा? 1767 होगा इंटू 3, तभी कट पाएंगे ना. ज्यादा ही कट करना पड़ेगा तभी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन ए 1767 इंटू 20, राइट है. एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डी 2500 इंटू 85,000 340 247840 divided by 2500 से या सो नो फ्रेंड्स, राइट है. बोलो, राइट है. अभी फटाफट मुझे एक प्रैक्टिस करके दो. CS3 पेज नंबर 7.3 अभी थोड़ा ग्रिप आ रहा है प्रेजेंटेशन पे. बोलो यस और नो, खुद से ट्राई करो. राइट,
एक्स की 400 यूनिट्स चाहिए, ये बराबर है, देखो जरा प्रोडक्शन प्लान, राइट है, इट मींस टोटल आर्स रिक्वायर्ड फॉर वी एक्स 400 इंटू 3 1200, नाउ कट डाउन एक्स टी बिकॉज मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर 300, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन एक्स टी 300 इंटू 6 800 प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑन वी एक्स 6800 प्लस 6800 8600 डिवाइडेड बाई 400 21.5 राइट कितने आर्स अवेलेबल है अभी अपने पास 6200 पहले क्या बनाएंगे एक्स वन राइट थ्री हंड्रेड इंटू टू 600 6200 600 5600 फिर क्या बनाएंगे अपन वी एक्स 900 इंटू 3 2700 5600 लेस 2700 इज 2900 फिर एक्सटी का डिमांड क्या है 600 इंटू 4 2400 व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट 500 बराबर टोटल आर्स रिक्वायर्ड फॉर वी एक्स 1200 कट डाउन नहीं बैलेंस आर्स अवेलेबल टू यू फाइव हंड्रेड व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट 700
cut down XT? 700. 4. 700 divided by 175. Opportunity cost 175 into 6. देखो जरा क्या आएगा 1050. वेरिएबल कॉस्ट 400 इंटू 6800 टोटल 7 डिवाइडेड बाई 7 परफेक्ट. समझ में आ रहा है? एक जरा मॉड्यूल का रेफर कर लो ना, जरा मैंने सॉल्व किया, आप चेक करके बताओ बराबर है कि नहीं ना. पेज नंबर 9.5 चेक करके आप बताइए. फटाफट चेक करके बताओ मैंने बराबर सॉल्व किया है कि नहीं ना फ्रेंड्स.
First case, what is the transfer price? ₹13,000 na? Total hours is required. Y के लिए 2400. Cut down Y ना? तो Y cut करेंगे तो कितना cut करना पड़ेगा? 300 units. है ना? So 300 का what is the opportunity cost? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा वाई का ना, वाई कट करना पड़ेगा ना. अरे तो लास्ट ही प्रोडक्ट कट करेंगे ना. हाँ, किसमें? 13,000 में. अच्छा हाँ, कट करेंगे नहीं ना, तो कितने में ट्रांसफर कर देंगे? जो वेरिएबल कॉस्ट रहेगा उसी पे कर देंगे ना ट्रांसफर. 24 रुपीज बैलेंस है ना आर्स, उसमें बैलेंस आर्स है ना, उसमें बैलेंस आर्स है उसमें ना. सही है, सुनो राइट, प्रॉपर है ना. मिनिमम उतना बैलेंस है ना अपने पास, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देंगे ना. ठीक, प्राइस इक्वल टू इफ ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस आरओआई. इफ ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस आरओआई, राइट. सीएस 12 पेज नंबर 7.8. सीएस 12 पेज नंबर 7.8. देखो जरा बताओ, सीएस 12 पेज नंबर 7.8. ट्रांसफर प्राइस इज बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट प्लस आरओआई, राइट. बना सकते हैं, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग ट्रांसफर प्राइस विच इज बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट प्लस आरओआई. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट, कितने यूनिट्स हैं फ्रेंड्स? 4 लाख यूनिट्स, बोलो. 4 लाख यूनिट्स इंटू 10 रुपीज
40 lakhs. Second is a fixed cost. Fixed cost is 8 lakhs. Total 48 lakhs. Then add ROI. Kitna ROI chahiye? 28% on investment. What is the investment? 5 lakhs in fixed assets. ₹3 lakhs and +₹2 lakhs, ₹2 lakh 80. Transfer price ₹50 lakh 80 divided by 4 lakh units. Transfer price per unit 12.2 तरह के ट्रांसफर प्राइस रहते हैं. एक रहता है इंटरनल अपने और एक एक्सटर्नल भी हो सकता है. हम कस्टमर को भी बना के अगर कुछ गुड्स देंगे उसको भी क्या बोलेंगे? ट्रांसफर प्राइस. एक्सटर्नल ट्रांसफर प्राइसिंग, उस पर भी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं. तो इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज भी अपने को देखनी है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए. ये पहले बेसिक कैलकुलेशन सीख रहे हैं अपन ना. अब आप लिखिए, इफ ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू ROI with tax adjustment, if transfer price equal to ROI with tax adjustment, बराबर है. Just refer CS 15 पेज नंबर 7.10. ए पार्ट आपको मुझे बताना है, राइट. 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिटर्न कैसा चाहिए आपको? नेट, बिकॉज देयर इज ए टैक्स रेट ऑफ 40%. आपको जो रिटर्न चाहिए वो आफ्टर टैक्स चाहिए कभी भी, राइट. इसका मतलब कस्टमर से क्या लेना पड़ेगा? बिफोर टैक्स, है ना. देखो ये 150 अलग अलग है, हाँ, वो टोटल नहीं है उसका. मेटेरियल 50,000, अदर वेरिएबल कॉस्ट 60, फिक्स कॉस्ट 40, प्लस उसके अलावा दे दीजिए 150 इन्वेस्टमेंट. तो कैसे निकाल सकते हैं? इट मींस स्टेटमेंट शोइंग. अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग एक्सटर्नल के लिए, क्योंकि उसने क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस, राइट. स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बराबर. फर्स्ट टोटल कॉस्ट, 150 एंड ROI 150 का 20% इंटू 100 बाई 60, समझे. बिकॉज प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 100, टैक्स इज 40, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60. ये 60 है तो ये 100 है. क्या आएगा देखो जरा, टोटल ऐड करो. 50,000
टोटल 2 लैक्स, सपोज नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000 ना, हाँ, सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10, से यस ऑर नो फ्रेंड्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 100, टैक्स इज 40, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60. बोलो यस ऑर नो फ्रेंड्स. प्रॉपर आ रहा है समझ में? बताओ, कैन यू ट्राई बी पार्ट? बी पार्ट आप जरा ट्राई करिए. राइट, बी पार्ट बताइए कैसे होगा. वेरी इंटरेस्टिंग. मालूम नहीं, आप बताइए मुझे कितना प्राइस रखना है. Determine the unit selling price if 6% profit on list price, जो चिपका रहेगा उस पर, जिसको एमआरपी बोलते हैं अपन, उसके ऊपर कितना रिटर्न चाहिए इनको? 6%. एंड ट्रेड डिस्काउंट कितना रहेगा? 40. फिफ्टीन चेक करो, बराबर बोलो. नो, कितना? गलत. 15 इज द करेक्ट आंसर. दिस इज स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट. बराबर है. सेलिंग प्राइस डिवाइड इन टू प्रॉफिट. देखो, एक तो आपका क्या निकल जाएगा? डिस्काउंट. सपोज आपका सेलिंग प्राइस है 100, बाद में कॉपी करना, एक बार समझ लो. राइट, आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 100.
तो डिस्काउंट कितना निकल जाएगा? 40% ऑफ 100 इज 40, और प्रॉफिट कितना रहेगा? 6% इंटू 100 बाई 60 इज 10, टोटल कितना हो गया? 50. तो कॉस्ट के लिए कितना बचेगा? 50. और मेरा कॉस्ट कितना है? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 20,000, क्या आएगा? 7.5 इंटू 100 बाई 50 क्या आ जाएगा? अगर आपको चाहिए तो यू कैन वेरीफाई ऑल्सो योर आंसर. दिस इज वेरिफिकेशन. आपने क्या लिस्ट प्राइस डाला? आपने लिस्ट प्राइस डाला सपोज 15. आप उस पर डिस्काउंट कितना दोगे? 40%. इट मीन्स 6 नेट 9 कॉस्ट 7.5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.5 टैक्स 40% 0.6 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.9 1500 क्या आ जाएगा? 6%. ये आपका ROI. दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, ओनली फॉर योर लाइब्रेरी, राइट? हंड्रेड आपने प्रिंट किया तो 40 तो डिस्काउंट निकल जाएगा, बाकी का प्रॉफिट 6% पर. 6% इज कभी भी टैक्स रेट है, तो 6% इज आफ्टर टैक्स. सो बिफोर टैक्स कितना रहेगा? बोलो यस और नो, राइट? बोलो यस और नो, सही समझ में आ रहा बोलो यस सुनो, राइट? 16 जरा देखो, 7.11
CS16 7.11. डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, खुद से ट्राई करिए. Determine the selling price. Determine the selling price. Statement showing selling price per unit. Suppose sales equal to X. What is your cost of sales? What is your cost of sales? Material, ₹4,80,000. Labor, 160, 320, fixed overhead 5 lakh, total 14,60,000. ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? अब कितना रिटर्न आपको चाहिए? 12% नेट. इसका मतलब आरओआई 12% नेट इंटू 100/60, इट मींस 20%. एंड 20% ऑन, देर आर टू. वन इज ए फिक्स कैपिटल, सेकेंड इज ए वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल कितना है अपना? 12 लैक्स. 12 लैक्स का 20% चाहिए, 2,40,000. वर्किंग कैपिटल 0.5x, बोला ना 50% ऑफ सेल्स, उसका भी 20% चाहिए. क्या आ जाएगा? 0.1x. इट मींस x इक्वल टू 14,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 0.10x, 0.9x इक्वल टू 17 लैक्स. देन x इक्वल टू 88,888 डिवाइडेड बाय यूनिट्स 80,000, 23.61.
बोलो यस और नो फ्रेंड्स। वर्किंग कैपिटल उसने क्या बोला है 50% ऑफ सेल्स है ना, वेरिएबल पोर्शन कितना है 50% ऑफ सेल्स, व्हाट आर वी अज्यूमिंग सेल्स इज एक्स, तो 0.5x हो जाएगा, उसके ऊपर भी 20% रिटर्न चाहिए है ना, और इसके ऊपर भी 20 चाहिए, तो ये हमारा टोटल रिटर्न हो गया, रिटर्न चाहिए नेट तो ग्रॉस अप करके ले लिया एंड दिस। बोलो यस और नो फ्रेंड्स। क्लियर है? बताओ। ओके अब चलो देखो, बहुत अच्छा लेता हूं आप 7.5। पूरा कंसेप्ट को आप समझो पहले ना, सीएस 7 पेज नंबर 7.5। सीएस 7 पेज नंबर 7.5 सोमेश ऑफ आगरा मिला, सीएस 7 पेज नंबर 7.5। एट प्रेजेंट वी आर वर्किंग एट 80% एंड प्रोड्यूसिंग 20,000 यूनिट्स, से यस और नो फ्रेंड्स, है ना। इसका मतलब व्हाट इज माय कैपेसिटी, पहले समझ लो जरा क्वेश्चन को ना, माय कैपेसिटी इज 100%, एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग 80% ऑफ द कैपेसिटी राइट है एंड प्रोड्यूसिंग 20,000 यूनिट्स। 80% कैपेसिटी पे मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं 20,000, इसका मतलब मेरा फुल कैपेसिटी क्या रहा होगा 20, 80, 100, 25। सो व्हाट इज द बैलेंस कैपेसिटी लेफ्ट टू मी इज 20% ऑफ 25,000 इज 5,000। अब मेरे को ऑर्डर कितने का मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑर्डर आई एम गेटिंग 20% ऑफ प्रेजेंट ऑपरेशन मींस 4,000 यूनिट्स। इसका मतलब इन दिस केस योर फिक्स कॉस्ट इज टोटली इरेलेवेंट। मैं 20 बनाऊं या 25 बनाऊं, अप टू 5,000 तक मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहेगा सेम। कोई भी नया स्टूडेंट आके कल एडमिशन लेता है तो मुझे क्या लगेगा, ओनली मेटेरियल कॉस्ट।
कोई भी नया स्टूडेंट आके अगर बोलता है तो मेरे को क्या लगेगा, ओनली मेटेरियल कॉस्ट. सही है सोनो फ्रेंड. इन दिस केस योर फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटली इरेलेवेंट. फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट. सही है सोनो फ्रेंड्स. ओके, इतना कॉपी कर लीजिए जरा. आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटली इरेलेवेंट. बोलो राइट है. अब आप आ जाओ, इसका मतलब आपका ओनली क्या लगेगा इसमें, वेरिएबल कॉस्ट, नॉट द फिक्स कॉस्ट. ठीक है, देखो जरा. पहला, एट प्रेजेंट आपको क्या दे रखा है, कितना सेल है आपका टोटल 4 लैक्स. उसमें प्रॉफिट कितना है, 20% ऑफ 4 लैक्स कितना हो गया, 80,000. आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना बचेगा, 3,20,000. दिस इंक्लूड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट में वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड. फिक्स कितना है, 80,000. सेमी वेरिएबल 40,000. वेरिएबल 80. टोटल मिलके क्या हो गया, 2 लैक्स. ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 1,20,000. ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स. एट प्रेजेंट हम लोग कहां पे सेल कर रहे हैं, 4 लैक्स. बोलो एट प्रेजेंट हम लोग कहां पे सेल कर रहे हैं, 20% ऑफ 4,80,000. बैलेंस 320 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बराबर. ये आपका रिलेवेंट हो जाएगा, ये आपका रिलेवेंट हो जाएगा. इसके दो पार्ट, वेरिएबल एंड फिक्स्ड. फिक्स्ड इरेलेवेंट होगा, ये रिलेवेंट हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, टोटली इरेलेवेंट. सही है सुनो. अब इसमें कितना वेरिएबल पोर्शन वो अपन निकाल सकते हैं. सपोज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू एक्स एंड
फिक्स कॉस्ट इक्वल टू वाई, या अपन ले सकते हैं चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन प्रोडक्शन। इट मीन्स 20,000 एक्स प्लस वाई 22,500 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40,000 एंड 42,500। वाई एंड वाई गेट कैंसिल, 2,500 एक्स इक्वल टू 2,500 एंड एक्स इक्वल टू 1। सो 20,000 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 40,000 एंड वाई इक्वल टू 20,000। ये आपका 20,000 हो जाएगा और ये भी आपका 20,000 हो जाएगा पर यूनिट 1। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पूरा बेस आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं वो बताओ। राइट, बराबर है, इतना क्लियर हुआ। सेल्स, सेल्स में से प्रॉफिट निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर ये अपने को तीनों दे रखे हैं, टोटल इनडायरेक्ट, बाकी का बैलेंसिंग फिगर डायरेक्ट। अब आप निकाल लो, इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग एक्सपोर्ट प्राइस स्टेटमेंट शोइंग एक्सपोर्ट प्राइस बराबर, फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कितना था फ्रेंड्स अपना 1,20,000। वो कितने यूनिट्स के लिए था? 20,000 के लिए, इंटू 4,000 24। इनडायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल ओवर एंड 80,000 फॉर 24 के लिए 16,000 सेमी वेरिएबल, वेरिएबल 20 के लिए 4 के लिए 4,000। राइट, फिक्स्ड इरेलेवेंट, फिक्स्ड इरेलेवेंट, टोटल कॉस्ट 44 प्लस देर इज ए स्पेशल पैकिंग 1,000, टोटल कॉस्ट 45,000 कॉस्ट एड प्रॉफिट 45 इंटू 10 बाई 90। सपोज एक्सपोर्ट प्राइस इज 100, प्रॉफिट इज 10, तो कॉस्ट इज 90 या 5,000। सो एक्सपोर्ट प्राइस विल बी 50,000। बोलो फ्रेंड्स, राइट है? 50,000 रुपीज अपन उससे चार्ज करेंगे।
अभी सपोज योर क्लाइंट इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, बोलता है हमको ये कुछ समझा नहीं तुम्हारा, फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लिया, हम उसको बोलते हैं इरिलेवेंट, बोलते हैं मेरे को नहीं समझता है। तो कभी कभी इंस्टीट्यूट आपको क्या बोलता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम या प्रेजेंट द आंसर एज पर डिफरेंशियल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, तो लिखो जरा ना, आंसर एज पर डिफरेंशियल, आंसर एज पर डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आंसर एज पर डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बराबर। कैसे करेंगे देखो जरा, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस एज पर डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एज पर डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बराबर। एट प्रेजेंट हम लोग कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 20। फ्यूचर में हम कितना बनाएंगे, 24। तो डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल कितने हो जाएंगे, 4000। फर्स्ट आपका क्या था, डायरेक्ट कॉस्ट, लास्ट टाइम डायरेक्ट कॉस्ट कितना था, 1,20,000, बोलो 120 इज फॉर 20,000, तो 24 के लिए ₹1,44,24 आपका बढ़ गया, राइट है। सेकेंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में वेरिएबल, वेरिएबल कितना था, 80,000, सही है सुनो फ्रेंड्स, वेरिएबल कॉस्ट कितना था अपना, 80 किसके लिए था, 20 के लिए, तो 24 के लिए 96,000, कितना बढ़ गया, 16,000। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में वेरिएबल 20 किसके लिए था, 20 के लिए, तो 24 कितना बढ़ गया, 4। फिक्स्ड कितना था, 20, और अभी भी कितना रहेगा, 20, तो डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 0। हम 20 बनाएंगे तो भी उतना 20,000 रहेगा, और हम 24 बनाएंगे तो भी बोलो 20 रहेगा, राइट। देन फिक्स कॉस्ट कितना था, 80,000, वेरी गुड, अभी भी कितना है, 80,000, डिफरेंशियल 0। टोटल कॉस्ट
44, पैकिंग 1000, कितना हो गया 45, प्रॉफिट 45 इंटू 10 बाई 90, 5000, सो एक्सपोर्ट प्राइस विल बी 50,000. बोलो यस और नो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? आप मुझे फटाक से आप जरा CS6 पेज नंबर 7.4 करके दिखा दो. CS6 पेज नंबर 7.4, एक ही मेथड से, ये करने की जरूरत नहीं है, ये चाहिए तो आप होमवर्क में कर लेना. राइट, 6 पेज नंबर 7.4, ये क्लियर हुआ ना फ्रेंड्स? बोलो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेवेंट कॉस्टिंग. फिक्स कॉस्ट इज इरिलेवेंट, राइट, इफ इट इज कॉन्स्टेंट. खुद से ट्राई करिए. राइट, ऑर्डर कितने का मिल रहा है? 20% ऑफ 10,000, 2,000. इसका मतलब फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? इज नॉट रेलेवेंट.
fixed cost is not relevant, right? At present, sales 2 lakhs. उसके ऊपर आपका प्रॉफिट 20% ऑफ 2 लैक्स इज 40,000. कॉस्ट 160 डिवाइडेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड 50, सेमी वेरिएबल 20, फिक्स्ड 40, 1,10,000 एंड बैलेंसिंग फिगर 50. या होगा ना, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड निकालना पड़ेगा ना अपने को. या कैसे निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू एक्स एंड फिक्स कॉस्ट इक्वल टू वाई. या वैसे भी कर सकते हैं, अपेक्षा चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन. इट मींस 10,000 एक्स प्लस वाई, 14,000 x plus y equal to 22. Y and y get cancel. 4,000 x equal to 2, x equal to 0.5. So 10,000 into 0.5 plus y equal to 20,000 and y equal to 15. This is 15 and this is 5. Do correct. Variable cost per unit equal to change in cost divided by change in production. Change in cost divided by change in production. देखो ये 22 माइनस 20 एंड 14,000 यूनिट्स माइनस 10 कितना हो गया? 2,000 डिवाइडेड बाई 4,000. तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगा? 0.5, है ना. तो टोटल कॉस्ट आप ले लो सपोज से 10,000 यूनिट्स के ऊपर, 10,000 पे आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है 20,000 रुपीज. उसमें वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल 10,000 इंटू 0.5 5,000 एंड बैलेंसिंग फिगर 15,000. से यस ऑर नो फ्रेंड?
से यस और नो फ्रेंड्स, राइट है? कितने का ऑर्डर मिला है अपने को? बोलो 2000. इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट 50,000 इज फॉर टेन थाउजेंड ना फ्रेंड्स, तो टू के लिए बोलो टेन इनडायरेक्ट कॉस्ट फर्स्ट वेरिएबल ओवरहेड 50 for 10 टू के लिए 10 सेमी वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड 5 for 10 टू के लिए 1 फिक्स्ड इरेलेवेंट फिक्स्ड इरेलेवेंट टोटल कॉस्ट 21 टोटल कॉस्ट 21 ना, व्हाट इज द प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, इट मींस प्रॉफिट 21 इंटू 20 बाई 80 कितना आएगा 5 to 26 250 डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट